अध्याय 19। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आ आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ कि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं? जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गपत्ता कहलाता है, और न्याय आसन पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए के, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथों सौंप दिया कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उधर और बीच में यीशु को। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। ये दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां पर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सिवन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था।
इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वो किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो के उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोस पास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वो सब्त का दिन बड़ा दिन था। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने पर्चे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसी ने गवाही दी कि उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो के उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर ये लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है उस पर दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लोत ले जाऊं। और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसकी लोथ ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी।